Assalamu alaikum. Students, welcome to my YouTube channel, Knowledge for Students. Students, today we are starting the class number 32. And in today's class, we are going to talk about future perfect tense. लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए. और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं. तो चले आए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट. सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला वक्त या मुस्तकबिल, और परफेक्ट मीन मुकम्मल. यानी कि ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा, यानी कि जिस वक्त के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आने वाले जिस वक्त के बारे में बात कर रहे हैं उस वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा. अब इसकी पहचान क्या होती है कि उर्दू जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या अलिफ होगा, छोटी ये होगी और बड़ी ये होंगे वगैरह आता है. अब चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, या अलिफ होगा, छोटी ये होगी और बड़ी ये होंगे का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लें. देखिए, जैसे कि मैं कहता हूँ कि वो खाना खा चुका होगा या उसने खाना खा लिया होगा. अब अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को समझें तो इन दोनों का सेंस एक ही है, दोनों एक ही मतलब दे रहे हैं, ठीक है. वो खाना खा चुका होगा कि एंड पे चुका होगा आ रहा है, और उसने खाना खा लिया होगा कि एंड पे लिया होगा, यानी कि अलिफ होगा हम कह रहे हैं, ठीक है. तो इस तरह से उर्दू दोनों की डिफरेंट है लेकिन सेंस दोनों का एक ही है. तो ये दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर एक और बात जो आपने याद रखनी है कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ फ्यूचर का ही सेंस देगा. समटाइम्स ये पास्ट का सेंस भी दे रहा होता है, ठीक है. तो सिर्फ चुका होगा, चुकी होगी और चुके हूं को ही नहीं देखना बल्कि साथ उसका सेंस भी देखना है कि ये पास्ट की बात है या फ्यूचर की बात है. तो कैसे, जैसे कि देखें, वो काम खत्म कर चुका होगा इसलिए वो घर चला गया. तो वो काम खत्म कर चुका होगा, ठीक है. तो यहां पर भी देखें चुका होगा आ रहा है लेकिन ये शो पास्ट को कर रहा है, गुजरे हुए वक्त को. और कहां से पता चला कि ये पास्ट को शो कर रहा है, इसलिए वो घर चला गया. इस सेंटेंस ने हमें बताया कि ये बात पास्ट की हो रही है, ठीक है. तो यहां पर ये चीज आपने याद रखी. तो चले आए देखते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर को. तो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद शैल हैव या विल हैव, इन दोनों में से कोई एक. अब शैल हैव कहाँ पर आता है, विल हैव कहाँ पर आता है, वो पिछली क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ. देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है. ये हमारी स्ट्रक्चर है. इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस खुद से बनाएंगे. तो चले आए हम कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं. हमारा सबसे पहला सेंटेंस है कि कल वो अपना काम खत्म कर चुके होंगे. तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन है. तो यहां पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, वो, यानी कि वो ज्यादा है. कल वो अपना काम खत्म कर चुके होंगे, तो काम करने वाला कौन है, वो, यानी कि वो ज्यादा, वो जमा. तो अब वो जमा की इंग्लिश क्या होती है, दे. इसके बाद शेल हैव या विल हैव में से कोई एक चूज करना है. तो डेफिनेटली यहां पर दे है तो दे के साथ विल हैव आएगा, दे विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहां पर अब हम ये चीज देखेंगे कि हमारा जो वर्ब है वो क्या है. तो थर्ड फॉर्म वर्ब की लगानी है, तो वर्ब है हमारा खत्म करना. तो खत्म करना की इंग्लिश क्या होती है, फिनिश. तो फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, दे विल हैव फिनिश्ड. अब लास्ट पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहां पर देखना है कि क्या है, अपना काम, यानी कि किस चीज को खत्म कर चुके होंगे, अपने काम को. सो अपना काम की इंग्लिश देयर वर्क. अच्छा, अब यहां पर देयर हमने, यानी कि आपको मैंने, जैसे कि इसकी अपना अपनी अपने की एक स्पेसिफिक क्लास मैंने स्पेशली ली थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि अपना अपनी और अपने की इंग्लिश हमेशा डिपेंड कर रही होती है आपके सब्जेक्ट पर, ठीक है. तो यहां पर चूंकि सब्जेक्ट हमारा दे था इसलिए मुझे देयर वर्क लगाना पड़ा.
और इसके बाद हमारे पास लास्ट पे बचता है कल की इंग्लिश, तो कल की इंग्लिश हम लगाते हैं टुमारो। अच्छा, यहां पर वक्त के लिए याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में अगर टाइम आ जाता है तो चाहे तो वो टाइम बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दें, चाहे तो बिल्कुल एंड पे लगा दें, दोनों सूरतों में वो सही है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये कि जैसे यहां पर हमने लिखा कि दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क टुमारो, कि कल वो अपना काम खत्म कर चुके होंगे। अब टुमारो को चाहे तो बिल्कुल स्टार्ट में भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं टुमारो दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लिखना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस आ रहा है वो है वो अपने घर को ताला लगा चुका होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट है हमारे पास यहां वो, यानी कि वो एक लड़का है। तो वो एक लड़का की इंग्लिश क्या होती है, ही। देन शैल हैव या विल हैव में से कोई एक चूज करना है तो ही के साथ विल हैव आएगा। आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहां पर देखना है कि वर्ब क्या है, वर्ब है यहां पर हमारा ताला लगाना, तो ताला लगाना की इंग्लिश होती है लॉक, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, लॉक्ड। ही विल हैव लॉक्ड क्या चीज, सॉरी लॉक किस चीज को उसने लगाया, अपने घर को। ठीक है, तो अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या बचता है, अपना घर, तो अपने घर की इंग्लिश है हिज हाउस। ही विल हैव लॉक्ड हिज हाउस। अब यहां पर अपने की इंग्लिश जो है वो हिज लगाई है क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट हमारा ही था, तो यहां पर सब्जेक्ट को देखते हुए हम अपना, अपनी या अपने की इंग्लिश लगा रहे हैं। देन हमारे पास थर्ड सेंटेंस आ रहे हैं कि हम आपके आने से पहले नाश्ता कर चुके होंगे, राइट। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, हम, तो हम की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, हम की इंग्लिश है वी। सो देन शैल हैव या विल हैव में से तो वी के साथ शैल हैव, वी शैल हैव। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहां पर देखना है कि वर्ब क्या है हमारा, वर्ब है यहां पे नाश्ता करना। अब नाश्ता करना की जो इंग्लिश है वो आप ईट भी लगा सकते हैं, टेक भी लगा सकते हैं, तो ईट की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और टेक की थर्ड फॉर्म, इन दोनों में से जो मर्जी लगा लें, बट मैंने टेक का वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है, सो टेकन थर्ड फॉर्म क्या लगाई, वी शैल हैव टेकन। अच्छा, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास नाश्ता, यानी कि क्या चीज खा चुका होगा या क्या चीज कर चुका होगा नाश्ता, तो नाश्ता की इंग्लिश क्या है, ब्रेकफास्ट। सर वी शैल हैव टेकन ब्रेकफास्ट, के हम नाश्ता कर चुके होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो बच रहा है वो है आपके आने से पहले, ये एक अलग से सेंटेंस है। बहरहाल हमारा जो मेन सेंटेंस है वो यहां तक कंप्लीट हो चुका है कि वी शैल हैव टेकन ब्रेकफास्ट। आगे उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैंने नेक्स्ट एक साथ ऐड किया हुआ है कि आपके आने से पहले, सो इसकी इंग्लिश आप लगाएंगे बिफोर यू कम, वी शैल हैव टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर यू कम, के आपके आने से पहले हम नाश्ता कर चुके होंगे। ये हमारे हैं पॉजिटिव सेंटेंस। आई होप सो आपको पॉजिटिव सेंटेंस की समझ आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मसला है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो प्लीज़ आप लोग बता दीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, तो पहले नेगेटिव की बात कर लेते हैं, तो नेगेटिव के लिए आपको मैंने एक फार्मूला बताया हुआ है। ठीक है, तो चले पहले देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या होती है, फिर वो फार्मूला बताता हूँ आपको। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, देन नॉट, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब यहां पर यह चीज आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ रहे हो, क्या बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ रहे हों तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। हम क्या करेंगे, अपने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखें कि अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखते हैं तो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, एक है हमारे पास विल हैव, शैल हैव। ठीक है, तो आप देखें कि विल हैव तो ये दो हैं, शैल हैव तो ये भी दो हैं। तो अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम इसमें से पहले के बाद नॉट लगाएंगे, यानी कि शैल और विल चूंकि पहले नंबर पे आ रहे हैं और हैव दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। ठीक है, तो हम शैल और विल के बाद नॉट लगा रहे हैं। तो सेम यही चीज ऊपर स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
ओके तो चले सेंटेंसेस बना के चेक करते हैं। हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है कि वो ये खबर नहीं सुन चुके होंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा है यानी कि दे, तो वो ज्यादा की इंग्लिश क्या होगी, दे। इसके बाद शैल या विल, और चूंकि दे है तो दे के साथ विल और फिर नॉट और फिर हैव, तो ये पूरा क्या चीज बनेगी, विल नॉट हैव। ओके दे विल नॉट हैव। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो अब देखना है कि हमारे पास वर्ब क्या आ रहे हैं। तो वर्ब है यहां पर सुनना, तो सुनना की इंग्लिश लिसन भी होती है, हियर भी होती है, ठीक है, तो आप दोनों में से जो मर्जी लगा ले, लेकिन थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो यहां पर हम हर्ड यूज कर रहे हैं थर्ड फॉर्म हियर की, ठीक है। सो दे विल हैव नॉट हर्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज को नहीं सुन चुके होंगे, ठीक है, ये खबर, तो ये खबर की इंग्लिश अब हम लास्ट पे लगा रहे हैं। ओके सो दे विल नॉट हैव हर्ड दिस न्यूज, वो ये खबर नहीं सुन चुके होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कि वो अपनी तनख्वाह नहीं ले चुका होगा। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, वो, यानी कि वो एक लड़का है, ठीक है, तो वो एक लड़का की इंग्लिश क्या है, ही। इसके बाद विल नॉट या शैल नॉट हैव, तो अब ही है तो ही के साथ विल नॉट हैव आएगा। ओके ही विल नॉट हैव। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वर्ब क्या है यहां पर, लेना, यानी कि तनख्वाह नहीं ले चुका होगा, तो लेना, तनख्वाह लेना जो है यहां पर वर्ब है। तो अब इसके लिए जो है वो टेक का वर्ड भी यूज हो सकता है और रिसीव का वर्ड भी यूज हो सकता है, तो मैंने यहां पर रिसीव का वर्ड यूज किया है, ठीक है। सो रिसीव की थर्ड फॉर्म क्या है, रिसीव्ड। सो ही विल नॉट हैव रिसीव्ड। क्या चीज रिसीव होने की, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, या किस चीज को रिसीव होने की बात कर रहे हैं, अपनी तनख्वाह, ठीक है, तो अपनी तनख्वाह की इंग्लिश क्या होगी, अपनी तनख्वाह की इंग्लिश है हिज पे या हिज सैलरी। आप सैलरी कहेंगे तब भी ठीक है, हिज पे कहेंगे तब भी ठीक है, दोनों सूरतों में करेक्ट। ओके इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है थर्ड सेंटेंस कि मैं कुरान पाक की तिलावत नहीं कर चुका हूंगा। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या है, आई। देन आई के साथ शैल नॉट हैव, डेफिनेटली आई के साथ शैल आता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ विल भी आता है, ठीक है, तो आई विल नॉट हैव अगर आपने यूज किया तो ये भी रॉन्ग नहीं है। सो बट आई शैल नॉट हैव। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहां पर वर्ब क्या है, तलावत करना, तो तलावत करना की इंग्लिश होती है रिसाइट, तो थर्ड फॉर्म इसकी क्या लगेगी, रिसाइटेड। आई शैल नॉट हैव रिसाइटेड। किस चीज की तलावत करने की बात हो रही है, कुरान पाक की। ओके सो द होली कुरान, सो आई शैल नॉट हैव रिसाइटेड द होली कुरान, कि मैं कुरान पाक की तलावत नहीं कर चुका हूँगा। सो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको नेगेटिव सेंटेंसेस का भी समझ आ गया होगा। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को कंपेयर करें तो आपको सिर्फ एक नॉट का इजाफा नजर आएगा, और नॉट किस जगह पर लगाना है वो मैंने फार्मूला आपको बता दिया है, तो मेरा ख्याल है कि अब आपको नेगेटिव में कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो चलें गाइस बात करते हैं हम तीसरी तरह के सेंटेंसेस की, और वो है हमारे इंटरगेटिव्स। अब इंटरगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि आप अपने नेगेटिव सेंटेंस को देख लें कि किस लफ्ज़ के बाद आपने नॉट लगाया था। अब जिस लफ्ज़ के बाद आपने नॉट लगाया था उसको उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आए, वो इसका इंटरगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि यहाँ पर हमने नेगेटिव बनाने के लिए विल और शैल के बाद नॉट लगाया था, तो इसका मतलब है कि हमारे सबसे पहले विल और शैल ही आएगा, ठीक है, यानी कि उसी शैल और विल को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है कि क्या कल वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी होगी, राइट right? तो अब सबसे पहले हम विल या शैल में से कोई एक चीज यूज करेंगे। ओके तो सबसे पहले हम विल लगाते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट यहां पर कौन है, वो, यानी कि वो एक लड़की है, तो वो एक लड़की की इंग्लिश क्या होगी, शी, विल शी। देन हैव, तो यहां पर हैव लगा देंगे, विल शी हैव। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहां पर वर्ब क्या है, मुकम्मल करना, यानी कि काम क्या है, वर्ब क्या है यहां पे, मुकम्मल करना, तो मुकम्मल करना की इंग्लिश क्या होती है, कंप्लीट, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज को खत्म कर चुकी होगी, अपने काम को, सो हर वर्क, सो शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क। इसके बाद बचता है हमारे पास कल,
तो कल की इंग्लिश हम एंड पे लगा देते हैं टुमारो, तो यही टुमारो आप बेशक स्टार्ट में भी लगा दें बात वही बनेगी। सो विल शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क टुमारो, क्या वो कल अपना काम खत्म कर चुकी होगी। सेकेंड सेंटेंस है कि वो अपना घर सजा चुकी होगी, सॉरी वो अपना घर सजा चुकी होगी नहीं बल्कि क्या वो अपना घर सजा चुकी होगी, सेंटेंस ये बनता है। ओके लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आप सवालिया अंदाज में पूछें कि वो अपना घर सजा चुकी होगी, तो अब ये क्या है, ये भी एक किस्म का सवाल ही है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल और शैल, तो यहाँ पर हम विल लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट वो एक लड़की है, सो शी विल शी, देन हैव हैव। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, सजाना, तो सजाना की इंग्लिश क्या है, डेकोरेट, तो डेकोरेट की थर्ड फॉर्म है डेकोरेटेड। विल शी हैव डेकोरेटेड, क्या चीज़ सजा चुकी होगी, यानी कि लास्ट पे ऑब्जेक्ट बचता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अपना घर, सो हर हाउस, सो विल शी हैव डेकोरेटेड हर हाउस, क्या वो अपना घर सजा चुकी होगी। इसके बाद हमारे पास थर्ड सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस आ रहा है कि क्या अगले महीने आप अपना इम्तहान दे चुके होंगे, क्या अगले महीने आप अपना इम्तहान दे चुके होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर हमारा विल या शल में से क्या आएगा, तो आप है, यू है, तो यू के साथ विल ही आता है, तो सबसे पहले विल लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट आप है, तो आपकी इंग्लिश क्या होगी, यू। इसके बाद हैव, तो हैव यहाँ पर आ गया। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, इम्तहान देना, तो देना की इंग्लिश होती है गिव, तो गिव की जगह थर्ड फॉर्म लगेगी गिवन, सो गिवन, विल यू हैव गिवन, क्या चीज़ दे चुके होंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या बचता है हमारे पास, अपना इम्तहान, सो योर एग्जाम, विल यू हैव गिवन योर एग्जाम, क्या आप अपना एग्जाम दे चुके होंगे अगले महीने। अब ये वक्त आ गया, तो इसको चाहे तो बिल्कुल स्टार्ट में लिखते, चाहे तो बिल्कुल एंड पे लिखते, लेकिन मैंने इसको लास्ट पे रखा हुआ है, सो अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे इंटरगेटिव सेंटेंसेस हैं, आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपका जो भी मसला होगा मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलें, नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।